नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर का पास प्रतिशत 96.16% रहा। लड़कियों ने इस बार भी लड़कों के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। डीपीएस श्रीनगर का परिणाम तो 100% रहा। स्कूल की आसमा शकील ने 98.2% अंक हासिल किए हैं। आसमा ने बताया कि रिजल्ट देखने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद सीबीएसई की वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ गया था, जिससे कुछ समय के लिए वेबसाइट क्रैश हो गई और छात्रों को अपना रिजल्ट चेक करने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। आसमा को भी अपना रिजल्ट चेक करने में काफी वक्त लग गया। बाद में स्कूल की तरफ से उन्हें अपना रिजल्ट पता चला और फिर क्या था, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें पता चला कि उन्होंने टॉप किया है। आसमा अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती है। तो 9 बजे से 3 बजे तक बिल्कुल मुझे साइट नहीं खुल रही है। देयर वाज दिस ह्यूज लोड ऑन द साइट। यू कांट ब्लेम सीबीएसई पीपल। कोई साइट नहीं खुली है, सब फोनों पे साइट लगा के। तो मैं आई गो टू माय मदर एंड माय फादर, ऑफ कोर्स मम्मा बाबा के पास गया एंड आई टेल देम दैट रिजल्ट आया। तो देयर इज अ थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट माय पेरेंट्स, दे आर एक्सट्रीमली चिल पीपल व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स। इवन इफ आई हैव बेयरली पास टुडे, दैट स्टिल बी द सेम पेरेंट्स टू मी दैट दे आर टुडे। They don't care about my marks. They know that I have... They want me to not stress out. Because back in convent, I was this extremely stressed child. I studied bohut zyada. So, phir I told them that they were like, fine. So, they didn't even come upstairs. They knew we were busy with our phones and we were anxious. So, they didn't come upstairs. They were like, okay, you do your thing. We are waiting downstairs. Ab 3 bhi baj gaye. Ab 3 baje bhi hume result nahi khul raha hai. So, ab to thodi bohut tension ho hi gayi. So, phir a friend of mine called me. She asked me for my roll number, so she'd call school administration, क्योंकि वहाँ पर they get the results बहुत पहले। तो she took my roll number and then she asked our teachers back in DPS. तो उसके बाद थोड़ी देर बाद तो she calls us back. I didn't hear anything. उसने बस बोला कि आसमा ने टॉप किया। तो आसमा भविष्य में मानवाधिकार कार्यकर्ता बनना चाहती है। उनके पिता बिजनेसमैन हैं और माँ हाउसवाइफ। आसमा की एक जुड़वा बहन है और एक भाई भी है। आसमा का कहना है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता बनने का फैसला लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।